नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो यह 484 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्र को घेरता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो इसके द्वारा घेरा जाने वाला भाग क्या है। ठीक है, एक तार है, उस तार से पहले तो उसने एक वर्ग बनाया हुआ है जिसका क्षेत्रफल है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसी तार की सहायता से उसने वर्ग को मिटाकर क्या बनाया, एक वृत्त बनाया है। ठीक, अब उसी तार से बनाया है तो जो वर्ग का परिमाप है वह किसके बराबर होगा, वह वृत्त की परिधि के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि तार से, उसी तार से बनाया गया है, इसलिए यह कंडीशन हम लगाएंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर उसने हमसे पूछा है इसके द्वारा घेरा जाने वाला भाग क्या है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। ठीक है, तो पहले तो हमें दिया क्या गया है, दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर 484 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब 484 तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट 484, और 484 किसका वर्ग है, यह 22 का वर्ग है। तो इस वर्ग की भुजा निकल के कितनी आई, ए बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वर्ग की भुजा निकल आई तो हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 × a यानी 4 × 22 और 22 × 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमारा वर्ग है उसका परिमाप निकल के कितना आया, 88 सेंटीमीटर। अब उसी तार से हमने वृत्त बना दिया है तो जो वृत्त की परिधि होगी किसके बराबर होगी, यह वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और यह तो है 88। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 × r बराबर 88। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 88 × 7/2 × 22। ठीक है, अब यह काट करेंगे तो 22 × 88, 2 × 2 = 4, 7 और 2 = 2, 7 × 2 = 14। तो जो वृत्त बनाया था उस वृत्त की त्रिज्या r बराबर निकल के आई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब हमें वृत्त की त्रिज्या मिल गई है तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर की वैल्यू निकली 14, तो 14 × 14 कर दिया, 7 से काट दिया, 7 × 2 = 14, यहां पर होगा 22 और 14 × 2 = 28। तो 28 × 2 में करेंगे, 28 × 2 = 56, 28 × 2 = 56 और 5 = 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो उस तार से हमने वृत्त बनाया हुआ है उस वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जो वृत्त के द्वारा घेरा जाने वाला भाग है वह है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रश्न में कुछ नहीं था, सिर्फ यह था कि क्या हमको बराबर करना है। तो हमें वृत्त की परिधि और वृत्त का वर्ग का परिमाप, यह दोनों बराबर करना है, क्योंकि जिस तार का यूज उसने वर्ग बनाने में किया था उसी तार से उसने उस वृत्त को बनाया है। ठीक है, बस यही कंडीशन आपको फॉलो करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।